हेलो दोस्तों, तो हाजिर है एक और नए कमाल टेक न्यूज एपिसोड के साथ में, जिसमें कि देश और दुनिया की ढेर सारी टेक न्यूज पर बात करेंगे और साथ में आपको गिव अवे भी बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों पढ़ते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले पोल पर बात कर लेते हैं। पिछला पोल था जिसमें मैंने आपसे पूछा था क्या सोशल प्लेटफॉर्म्स को उन अकाउंट्स पर निगरानी रखनी चाहिए जो कि इलेक्शन के दौरान उल्टी सीधी कैंडिडेट्स या पार्टी से जुड़ी हुई कैंपेन में अपने पोस्ट करते हैं शेयर। आप में से 84% लोगों ने कहा है बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म को निगरानी रखनी चाहिए, जबकि 16% लोगों ने थोड़ी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए दी है जो कि शेयर करते हैं। कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी इजाजत है, जो चाहे वो शेयर कर सकते हैं। आते हैं आज के पोल पर। आपको बताना है अभी 5G स्मार्टफोन लेना कैसा रहेगा आपके मुताबिक। पोल में ऑप्शन मिल जाएंगे जिनको आप सिलेक्ट करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो बिना देरी के सबसे पहली खबर पे आते हैं जो कि आ रही है रेडमी से। चाइना के अंदर रेडमी ने आज नया स्मार्ट 4K टीवी कर दिया है लॉन्च, A65 जो कि 65 इंच के डिस्प्ले साइज में आ रहा है, HDR वीडियो सपोर्ट के साथ में, 1.5GB रैम, क्वाड कोर प्रोसेसर, उसके अलावा 8GB का इसमें है इंटरनल स्टोरेज। अगर टीवी के डिस्प्ले की बात करें तो मिलेगा आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट, प्राइस 28,000 के तकरीबन इसके रह सकते हैं। इंडिया में रेडमी इस टीवी को जल्दी ही लॉन्च कर सकता है, ऐसा मार्केट में रूमर है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। अगली खबर आ रही है आईफोन 12 से। कल होने वाला है ये फोन लॉन्च, लेकिन उससे पहले मार्केट में चर्चा इसको लेके बहुत गर्म है कि इसमें जो 5G स्पीड हमें मिलने वाली है वो US के अंदर भी कोई भी नेटवर्क अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहा है, यानी कि इस पर पैसा जो खर्च होगा वो लगता है काफी लंबे समय तक पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा। बाकी वेरिजोन देखते हैं क्या इसको और तेजी से अपने नेटवर्क को करता है ग्रो, ताकि वो इस MM वेव जो मिलेगा आपको सपोर्ट आईफोन 12 प्रो में उसको मैच कर पाता है। देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। अगली खबर है नोकिया ने दो नए 4G फीचर फोन आज चाइना में लॉन्च कर दिए हैं जो कि काफी हफ्तों से चर्चा में भी बने हुए थे। नोकिया 215 4G और नोकिया 225 4G, इन दोनों ही फीचर फोन में T9 कीपैड मिलेगा और एक जैसी डिस्प्ले 2.1 इंच की मिल रही है। साथ में अगर आप फर्क की बात करें तो आपको 225 में मिलेगा VGA कैमरा, जबकि 215 में आपको कोई भी कैमरा नहीं मिल रहा है, बस पीछे फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगी। और उसके साथ में आपको बता दूं कि फोन के प्राइस लगभग 3140 के आसपास रहने वाले हैं। इंडिया में क्या ये फोन लॉन्च होंगे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगली खबर है एप्पल की तरफ से। इंडिया में दिवाली से पहले सभी ब्रांड्स अलग अलग तरह के ऑफर, डिस्काउंट, सेल सब कुछ देना चाह रहे हैं, तो एप्पल पीछे कैसे रह सकता है। दिवाली के मौके पर एप्पल लेके आ गया है ऑफर। अगर आप ऑफिशियल स्टोर से खरीदते हैं आईफोन 11 का कोई भी वेरिएंट तो आपको फ्री में एयरपॉड्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको अवेल करना तो 17 अक्टूबर से ये सेल स्टार्ट हो रही है। अगली खबर है Vivo V20 स्मार्टफोन जो कि कल इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन लॉन्चिंग से सिर्फ एक दिन पहले ही इसके इंडियन प्राइस हो गए हैं रिवील। 24,990 से इसकी रेंज की शुरुआत होने वाली है। ये फोन पहले ही पिछले महीने में थाईलैंड के अंदर तो लॉन्च हो चुका है। 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में मिल रहा है पीछे क्वाड कैमरा, उसके अलावा आपको मिल रही 4000mAh की बैटरी, साथ में 8GB का रैम मिल रहा है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट पर करेगा फोन काम। बाकी दोस्तों कल लॉन्च होने के बाद सेल में कब से आ रहा है इंतजार करते हैं कल तक का। अगली खबर है Samsung M31 Prime स्मार्टफोन जो कि Amazon की तरफ से ऑलरेडी टीज हो चुका है। लॉन्चिंग डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन Amazon ने इसके इंडियन प्राइस जरूर रिवील कर दिए हैं। 16,999 से इसकी रेंज होगी शुरू। फोन के अंदर Exynos 9611 Samsung का प्रोसेसर मिलेगा, 6GB की मिलेगी रैम और 6000mAh की मिलेगी इसमें बैटरी, 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में 32 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको सेल्फी कैमरा। फोन कब लॉन्च होने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों, बेसब्री से रहेगा इस बात का इंतजार। अगली खबर है फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे सेल में। अगर आपको वन प्लस की वाई सीरीज टीवी खरीदनी है तो बेहतर मौका ये होने वाला है, क्योंकि वाई सीरीज के वन प्लस स्मार्ट टीवी अब फ्लिपकार्ट पर आ गए हैं जो कि आपको 32 इंच वाला टीवी 14,999 में, जबकि आपको 43 इंच वाला टीवी मिल जाएगा 24,999 में। आप चेकआउट दोनों ही मॉडल्स को कर सकते हैं। अगली खबर है इंडिया में नए ट्रू वायरलेस एयरफोन्स स्नूकर आई रॉकर गॉड्स हो गए हैं लॉन्च 1999 के प्राइस में। 13mm का ऑडियो ड्राइवर है, 15 अक्टूबर से आप फ्लिपकार्ट पर इसे परचेज कर सकेंगे। इसमें वॉइस कमांड आपको गूगल और एप्पल दोनों ही की मिल जाएगी, 4 घंटे तक का मिल जाएगा आपको कंटिन्यू बैटरी बैकअप।
और आज की आखिरी खबर है Lenovo Yoga Slim 7i कार्बन लैपटॉप आज लॉन्च हो गया है, जिसमें कि आपको मिल रहा है 11th जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 8GB की रैम है, 256GB का SSD आपको मिलेगा, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी और वजन तो 1 किलो से भी कम है इस लैपटॉप का। दोस्तों प्राइस अभी रिवील नहीं हुए हैं, जल्द ही ये सेल में जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब आ जाते हैं फटाफट से गिव अवे वाले सवाल पर। आपको बताना है सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम के मैंने कितने प्राइस आपको बताए हैं, नीचे कमेंट करके धड़ाधड़ अपना जवाब देना शुरू कर दीजिए। बाकी तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।